हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है सचिन और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। गाइज, हम आज बात करेंगे इंटर सिटी और आउट सेशन ट्रिप। ठीक है, तो होता है क्या आउट सेशन ट्रिप और इंटर सिटी ट्रिप, दोनों एक ही होता है? इंटर सिटी ट्रिप, आउट सेशन ट्रिप मतलब हम जहाँ लोकल में ट्रिप चलाते, तो जो लोकल छुड़ के जो बाहर जाते, मतलब जैसे समझो मैं मुंबई में रहता, तो मुंबई छुड़ के अगर समझो मैं पुणे गया, नासिक गया, तो उसको इंटर सिटी ट्रिप उसे कहते हैं। तो ठीक है गाइज, आज उस वीडियो में मैं आपको पूरे डिटेल के साथ में बताऊंगा कि मैं कहाँ गया था, मैं कौन से स्टेट, कौन से डिस्ट्रिक्ट में गया था। ठीक है, और मुझे उबेर कंपनी से मुझे कितना राइड का पर किलोमीटर का कितना पैसा मुझे लगा, और मुझे कितने टोल का पैसा लगा, मुझे कितना प्रॉफिट हुआ, कितना किलोमीटर का कितना मुझे पैसा हुआ, ये सारी डिटेल मैं इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा गाइस। ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, अगर ये वीडियो मेरा पहली बार देख रहे हो, तो प्लीज दोस्तों जाके चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन दबाओ, ताकि जो भी ओला उबर वीडियो आएगी वो आपको डायरेक्ट नोटिफिकेशन वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। तो ठीक है, वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि वीडियो को मैंने स्टार्ट टू एंड पूरा अच्छे तरीके से समझा, ताकि जो मेरे नए ओला उबर भाई है जो इंटरसिटी ट्रिप या आउट स्टेशन ट्रिप मारने के मतलब ट्रिप एक्सेप्ट करने की सोच रहे, उसको कैसे एक्सेप्ट किया जाता है, किस तरीके से उसको ऑन किया जाता है, सारी डिटेल वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को एंड तक देखना। तो चलो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले अगर हमें इंटरसिटी ट्रिप मारना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जो उबेर ड्राइवर है जो सिर्फ इंटरसिटी मतलब आउट स्टेशन के ट्रिप ही एक्सेप्ट करते हैं, ऑन करते हैं, और वो आउट स्टेशन के ही ट्रिप ही मारते हैं, लोकल में लोग ट्रिप नहीं मारते। तो ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो यहाँ पे आप देख रहे हो यूर ऑफलाइन, यहाँ पे इसके लेफ्ट साइड में यहाँ पे जो दो ऑप्शन दिए, तो ड्राइविंग परफॉर्मेंस, यहाँ पे जो लिखा हुआ सीधा क्लियर किया सर्विसेज, मतलब इंटरसिटी ऑफ इंटरसिटी और ये ट्रिप्स, ट्रिप्स मतलब लोकल का होता है, इंटरसिटी मतलब आउट स्टेशन का ट्रिप होता है। ठीक है, तो अब इसको आप ऑन करोगे और इसको ऑफ करोगे, तो यहाँ पे जो आपको जो लोकल का ट्रिप होता है ना गाइस, वो लोकल का ट्रिप आना आपका बंद हो जाएगा, आपको सिर्फ और सिर्फ इंटरसिटी का ट्रिप ही आने का स्टार्ट होगा। ठीक है, तो मैंने कैसे इंटरसिटी ऑन किया, किस तरीके से मुझे कौन सा ट्रिप मिला, तो पूरे वीडियो को देखना मैं किस तरीके से कौन से डिस्ट्रिक्ट में गया था, वहाँ से मुझे कितना पैसा मिला, पूरे डिटेल में बता रहा हूँ गाइस, पूरे वीडियो को एंड तक देखना। तो गाइस, मैंने परसों के दिन मुझे पर्सनल एक ट्रिप लगा था जो पुणे का था। ठीक है, तो पुणे मुझे अर्ली मॉर्निंग 6:30 बजे निकलना था, तो मैंने भी फर्स्ट टाइम इंटरसिटी ट्रिप लिया है, तो किस तरीके का जो मेरे साथ में जो हुआ, जो नॉलेज है, मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ गाइस। ठीक है, तो सबसे पहले उबेर जो मुझे पुणे का ट्रिप मिला गाइस, वो भी मुझे उबेर के थ्रू ही मिला, मतलब जो कस्टमर हम लोग जो कस्टमर हमारे पैसेंजर हमारे गाड़ी में बैठते हैं, तब उनसे मेरी बातचीत हुई, तो उनको पर्सनल पुणे जाना था उनको, तो उन्होंने मैंने कहा ठीक है, मैं पर्सनली आपको पुणे लेके जाऊंगा मैडम। तो ठीक है, तो परसों के दिन मैं सुबह 6:30 बजे निकला था पुणे के लिए, तो मुझे वहां से लगभग 140 किलोमीटर पुणे का लग रहा था, तो 140 किलोमीटर में राइड किया, वहां से मैं पुणे पर्सनल ट्रिप से गया, उबेर के इसमें से नहीं गया, उबेर के ऐप से या उबेर कंपनी से नहीं गया था, मैं पर्सनल ट्रिप लेके पुणे चला गया था गाइस। ठीक है, तो पुणे जाते वक्त मुझे एक टोल लगा था, मैं आपको बता दूं गाइस, ये है वो टोल, खालापुर टोल रिसिप्ट, मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट बाजू में आपको दिखता होगा गाइस। तो ये जाते से मुझे एक टोल लगा था जिसका मुझे 270 रुपया लगा था। ठीक है गाइस, उसके आगे मतलब जब पुणे जाते हो तो आपको एक लोनावला में वापस एक टोल लगता है, उसका टोल है उसका तलेगांव का। ठीक है, तो गाइस आपको टोल नहीं निकालना है। ठीक है, जो नए उबेर ड्राइवर उनको शायद नहीं पता, तो वहाँ पे भी 230 का अलग से उनको एक और एक टोल भरना पड़ेगा, तो ऐसे मत कीजिए, जो आपका जो पुणे का खालापुर का जो टोल होता है वही रिसिप्ट उनको दिखाओ कि ये मेरा, मैंने पहले ये टोल निकाला, लगभग मेरे ख्याल से तलेपुर खालापुर से तलेगांव शायद लगभग मेरे ख्याल से 50-52 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है। ठीक है, उसके बाद में वो टोल आता है, तो आपको ये जूना वाला रिसिप्ट ही दिखा के आपको आगे निकल जाना है, क्योंकि वहां पे सिर्फ एक ही टोल लगता है। अब जब वहां से आप पुणे से आप जब रिटर्न आते हो, तभी आपको वहां से एक बार निकालने जो रिसिप्ट है तलेगांव का जो रिसिप्ट। ठीक है, तो ये आपको तभी उस समय भी आपको 270 रुपये का टोल लगेगा, आपको आप देख सकते हो, मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ बाजू में, तो ये 270 का टोल लगेगा, यही रिसिप्ट आपको खालापुर में दिखाना है। ठीक है, तो मतलब आपको दोनों जगह पे टोल नहीं भरना है, 50-52 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है जब तलेगांव से खालापुर तक का, तो आपको दोनों जगह पे एक ही टोल भरना है, वही रिसिप्ट आपको वापस दिखाना है, ये रिसिप्ट फेंकना नहीं है, वही उनको जाके आगे तलेगांव में आपको ये रिसिप्ट दिखाना है, तो आपको एक ही टोल का आपको पैसा लगता है। ठीक है, तो दूसरी बात, तो फिर वहां से मैं पुणे में वहां पे पहुंचा, पुणे में क्लाइंट को मैंने ड्रॉप किया, 9:15 बजे मैंने पैसेंजर को वहां पे ड्रॉप किया, 1-2 घंटा मैंने आराम किया वहां पे, बरोबर फिर 12 बजे मैंने वापस मैंने उबेर ऐप अपना चालू किया। ठीक है गाइस, तो उबेर ऐप चालू करने जैसे मैंने आपको दिखाया, ये रहा उबेर ऐप का, तो उसके अंदर मैंने आपको पूरा बताया कैसे इंटरसिटी ऑन करना है करके। ठीक है, तो इंटरसिटी मैंने होम लोकेशन पे मैंने वहां पे डाल दिया मुंबई करके। ठीक है गाइस, तो मुझे हार्डली 10-15 मिनट में मुझे वहां से बुकिंग आया कल्याण का।
ठीक है, तो कल्याण का बुकिंग है, तो जाते समय जो मेरा पर्सनल भाड़ा था, मतलब जो मेरा पर्सनल पिकअप था, वो मैंने पर्सनल उनसे 2,000 रुपये लिए थे, तो टोल बिल सब उनका ही था, तो टोल उनका एक 270 का लगा, और एक मिलिट्री खिड़की करके गाँव है वहाँ पे कैम्प का जो रहता है उनका, तो उनका एक मुझे टोल लगा था। फिर वो सब पूरा जो ये टोल का जो पैसा होता है गाइस, अगर मतलब जो जो भी अमाउंट रहता है टोल का, वो पैसेंजर ही देते हैं, हमें देना नहीं पड़ता। जो 2,000 मैंने लिया तो पर्सनली मेरा था और टोल उनका अलग से था। ठीक है, तो जैसे मैंने उबेर ऐप से मेरे को जैसे बुकिंग है कल्याण का, तो मैंने लगभग 168 किलोमीटर था। ठीक है गाइस, मैं आपको पूरा डिटेल के साथ में बताता हूँ, यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो, 168 किलोमीटर था और मुझे लगभग 4 घंटा के ऊपर मुझे लगा था, 4.5 घंटा वहां से मुझे लगा था। मैं लगभग 1:15 बजे उनका बुकिंग लिया था, तो मुझे 4, 4:30, 5 मुझे वहां पे कल्याण में मुझे उनको ड्रॉप करने को लगा था गाइस। ठीक है, और जाते से मुझे सुबह 2.25 घंटे मुझे लग गए थे, और सुबह एकदम ट्रैफिक खाली था, तो आते से मुझे 1 बजे बुकिंग मिली थी, तो मैंने बुकिंग लिया। और बहुत सारे से भाई का जो दिमाग में रहेगा कि CNG तो पुणे में सब जगह पे सी लेगा, ठीक है, तो मुझे आते समय 4.5 घंटा लगभग लगा। ठीक है गाइस, तो मुझे कितना उबेर की तरफ से मुझे पैसा मिला, ठीक है, तो उबेर के आप देख सकते हो बाजू में 1799, मतलब 1800 रुपया मुझे कस्टमर से कैश लेना पड़ा। ठीक है, मतलब जो टोल था उन्होंने ही पे किया था। ठीक है, तो मुझे 1800 रुपया विदाउट टोल, मतलब टोल जो भी होता है वो पैसेंजर को पे करना पड़ता है, तो मुझे 1800 रुपया कस्टमर ने कैश पे किया। ठीक है गाइज, और मुझे उसके अंदर खुद का अर्निंग कितना हुआ आप देख सकते हो यहाँ पे स्क्रीन में, 1501 रुपया। ठीक है, तो लगभग मुझे 9 रुपया पर किलोमीटर के लगभग मुझे उबेर से तरफ से मिला। ठीक है, तो मेरा भी ये फर्स्ट टाइम इंटरसिटी ट्रिप था, मैंने फर्स्ट टाइम आउट स्टेशन ट्रिप मैंने एक्सेप्ट किया था, ऑन किया था। ठीक है, और मैंने फर्स्ट टाइम अपना राइड किया था, तो यही मुझे वीडियो में बताना था, क्योंकि बहुत सारे जैसे भाई है जो जिन्होंने जिनको नहीं पता, क्योंकि मेरा भी ये फर्स्ट राइड था, कि मुझे भी एक्सपीरियंस नहीं था, तो टोल का नहीं था, कुछ नहीं था, क्योंकि मैं पुणे फर्स्ट टाइम गया था, मतलब कस्टमर लेके, तो एक टोल होता है जो वही दोनों जगह पे पास निकाल, वही पास दोनों जगह पे एक्सेप्ट होता है, तो 270 रुपया पुणे का टोल का पैसा लगता है। ये हर एक चीज आपको कस्टमर से, जितना भी टोल लगता है वो कस्टमर से पे करना पड़ता है, कस्टमर पे करता है उनको उनका। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो में आपको पूरी तरीके से जानकारी मिल गई रहेगी। ठीक है, आई होप पूरा वीडियो समझ आएगा आपको, तो वीडियो अगर समझ आएगा दोस्तों तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करना, दोस्तों के साथ में शेयर करना, अगर चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियो, नॉलेजेबल वीडियो मैं अपने चैनल पे लाता रहता हूं गाइस। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही गाइस, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।